વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ આપણે બે બુટી ચાચી એનો ત્રીજો એક્સપિરિયન્સ આપણે રહ્યા છે બે દિવસથી પાઠ ચાલ્યો હવે એમાં આપણે જોયું હતું કે રૂપા બુટી ચાચી ઉપર બહુ ગુસ્સે થાય છે કારણ કે બુટી ચાચીને ખાવાની એવી બહુ જ આદત પડી ગઈ કે જેના કારણે પોતે બીજી કડાળી પાસ આવીને બેસી ગયા એક બાજુ મહેમાનો બેઠેલા હતા હવે એના પર ગુસ્સે થયા પછી બુટી ચાચીની પરિસ્થિતિ કેવી થઈ એ વિશે આપણે આગળ જોઈએ બુટી ચાચી અપની કોઠરીને જાકર પસ્તાવા કર રહી હતી રૂપાને ઉનકો દાંતા ઉનકો હાર્ટ ઝપટ કર પસીના ફિર ભી ઉનકો રૂપા પર ગુસ્સા નહીં આયા વો ક્યા કરને લગી કોઠરીને જાકર પશ્ચાતાપ કર રહી હતી અરે મેં કહાં ચલી ગઈ मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था क्यों नहीं जाना चाहिए था उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था अपनी जल्दबाजी पर दुख था रूपा ने उनको डांटा फिर भी उन पर गुस्सा नहीं था अपनी जल्दबाजी मुझे खाने की इतनी क्या जल्दी थी कि मेहमान बैठे थे और मैं चली गई तो रूपा स्वाभाविक रूप से गुस्से होती है अपनी जल्दबाजी पर दुख था सही तो है जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे उनको भी एक पुरानी जो हमारी परंपरा है उन पर अभी भी उनका मन लगा है वो भी ऐसा मानती है कि पहले घर में मेहमान आए वो पहला खाए बाद में घर वाले खाते हैं लेकिन यहाँ एक बुजुर्ग की बात है हमें तो वही समझना है कि बुजुर्ग हो मेहमान हो फिर भी कोई एक व्यक्ति हमारे घर में बूढ़ा है तो उनको हम खाना दे सकते हैं लेकिन बूढ़ी चाची भी अभी ऐसा नहीं सोचती वो क्या सोचती है घर में मेहमान है तो मुझे खाना खाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया वो अपने आप को कोसती है अरे मैं कैसी भूखी हूँ कि मुझे इतनी देर तक नहीं रहा गया वो अपने को कोसने लगे मुझे इतनी देर भी न रहा गया अब तक कोई बुलाए कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी और मन ने निश्चय कर लिया जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं खाने के लिए नहीं जाऊंगा मन ही मन इसी प्रकार वह विचार कर वह बुलाने का इंतजार करने लगी अब तो कोठरी में जाकर वो मन ही मन ऐसे कोई आएगा ऐसा इंतजार करने लगी वह मन को बहलाने के लिए लेट गई अब क्या करे उनके पास तो कोई काम नहीं था वो लेट गई अपनी पथारी में और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी टाइम पास गीत गुनगुनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई गाते 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 उनको ऐसा लगने लगा मन में अरे मैं तो कब से गा रही हूँ बहुत देर हो गई अब तो सबने खाना खा लिया होगा तो गाते देर हो गई क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे ये क्वेश्चन मन में एक प्रश्न आया अभी तक मेहमान खाते होंगे भोजन कर रहे होंगे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती है इसका मतलब होता है सब खा पी के चले गए किसी की आवाज नहीं सुनाई देती अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए मन में ऐसी सोच आई भाई मेहमान तो खा पी कर चले गए होंगे मुझे कोई बुलाने नहीं आया रूपा चिढ़ गई है ना अब सोते ऐसा निर्णय किया था ना कि कोई बुलाने आए तब जाऊँ मुझे कोई अभी तक बुलाने नहीं आया हाँ भाई नहीं आया क्योंकि रूपा चिढ़ गई है रूपा को मुझ पर गुस्सा आया है क्या जाने रूपा मुझे न भी बुलाए बुढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई पर विश्वास है कि एक मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी अब उन्होंने निर्णय किया बहुत देर हो गई है चलो मैं खाने के लिए जाती हूँ तो बुढ़ी चाची खाने के लिए चली इसके पहले उनके मन में विचार आने लगे अरे वाह एक मिनट के अंदर तो मेरे सामने पुड़िया मसालेदार सब्जी कचौड़िया वो सब आएंगी कैसे खाएंगी वो अब सोचने लगी उनकी स्वाद इंद्रिया गुदगुदाने लगी बहुत आनंद होने लगा है उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे अब खाना कैसे खाएंगी उनके मंसूबे मन में लगाने लगे याद रखना है हमें पहले सब्जी पुड़िया के साथ खाऊंगी क्या सोचा बुढ़ी चाची ने सब्जी है वो पुड़िया के साथ
फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। जो रायता बना है ना दही का, उसके साथ कचौड़ियाँ डुबो डुबो कर मैं खाऊंगी, कितना मजा आएगा, मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब खाने तो गए तो थोड़ी कहीं उनको ऐसे स्वाद करके रख देनी, नहीं भी इतना मैं तो नहीं खाऊंगी ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं सोचती। बूढ़ी जाने तो क्या बोलती है, खाने जाऊंगी तो भर पेट खाऊंगी और मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि है विचार नहीं है। अरे ये लोग को जो कहना है वो कहे, उनके मन मारे ये देखो ना कैसी बुद्धि, मांग मांग कर भले ना कहे मैं तो मांग कर ही खाऊंगी। कहा करे इतने दिन के बाद गुड़िया मिल रही है तो मुंह जुटा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। बूढ़ी चाची क्या सोच रही है, अरे ऐसे कहीं थोड़ा थोड़ा खाकर नहीं उठेंगे, मुंह जुटा कर मैं नहीं उठूंगी, मैं तो अच्छी तरह से भर पेट खाना खाऊंगी। कैसी खाने से पहले उनकी मनोदशा कैसी हमें याद रखना है। वह उकड़ू बैठ कर, याद रखना उकड़ू बैठ कर मतलब जिसके हाथ पैर अच्छी तरह से शक्तिमान नहीं है, हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, वो बैठे बैठे चलती है, उनको कुकड़ू बोलते हैं। कुकड़ू बैठ कर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य मेहमान मंडली अभी बैठी है, क्या है मेहमान मंडली बैठी है, कोई खाकर उंगलियां चाटता है, कोई तीर सी नजरों से देखता है और लोग अभी खा रहे हैं कि नहीं, अपने पास वाला खाना खत्म हुआ उनका हुआ, ऐसे तीर सी नजरों से लोग देख रहे हैं। इतने में बूढ़ी काकी रहती हुई उनके बीच जा पहुंची। क्या किया बूढ़ी चाची, मेहमान खा रहे थे फिर भी वहां वो पहुंच गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से दिल मिला गए। वो क्वेश्चन याद रखना है कि भाई बुद्धिराम ने बूढ़ी चाची को कड़ा के पास देखा तो उनका व्यवहार कैसा था। अब शुरू होता है हमारा जवाब कि बुद्धिराम ने देखा तो क्रोध से तिल मिला गए, बहुत गुस्सा आया, क्रोध से तिल मिला गए, लपक लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। क्या किया भतीजा ने, देखो मैंने बड़े बड़े सपने दिखा था, मैं आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा वो करूंगा आपकी सेवा करूंगा, अब क्या किया उन्होंने, दो हाथ से पकड़ा घसीट घसीट कर कोठरी में लाकर पटक दिया। याद रखना है भतीजे ने कैसा व्यवहार किया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव और सब भोजन करके चले गए, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनको निर्लज्जता लगती थी, बूढ़ी चाची खाने के लिए आई वो उनको अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि घर में मेहमान थे और मेहमान के सामने वो चाची दो बार ऐसे आई तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या निश्चय किया, बूढ़ी चाची को दंड देना है। याद रखना बुद्धिराम ने क्या किया बूढ़ी चाची के साथ और रूपा ने कैसा व्यवहार किया, दो क्वेश्चन अलग है हमें याद रखना है। यहाँ बुद्धिराम ने कैसा बर्ताव किया, घसीटते हुए ले गया और उन्होंने निर्णय भी कर दिया कि आज खाना नहीं देना है। अभी सब खा पी कर चले गए लेकिन बूढ़ी चाची को किसी ने बुलाया भी नहीं और उन्होंने बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा नहीं आई। उनका बुढ़ापा वो वृद्ध थी, उनकी खाने की जो लालसा बुढ़ापे में बढ़ती है वो बढ़ी थी, उनकी गरीबाई पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी, लाडली वो बुद्धिराम की छोटी बेटी, उनको वो परेशान हो रही थी, अरे क्या करें मेरी बूढ़ी चाची को किसी ने खाना नहीं दिया। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, अनुराग था बूढ़ी चाची के साथ लाडली को,
वह झुंझला रही थी, क्या करे क्या न करे झुंझला रही थी। और ये लोग काकी को बहुत सी गुड़िया क्यों नहीं दे देते, उनके मन में ऐसा दिमाग में ऐसा विचार आता है कि भाई ये लोग कैसे हैं, बूढ़ी चाची को खाना देते हो तो क्या हो जाता, थोड़ी सी गुड़िया दे देते, क्या मेहमान सब खाएंगे, सब गुड़िया मेहमान खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। देखो वही सोच हमें रखनी है, जैसी लाडली की सोच है वैसी सोच रखनी है। एक प्रश्न लिखा है, उनका उत्तर लिखना है। नमस्कार।